जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हनुमान चालीसा का पाठ वहाँ पर चल रहा है, फिर से रुक करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर का वक्त है। बड़ी खबर ये कि हनुमानगढ़ी पहुंचे हैं अनुपम खेर, मशहूर एक्टर अनुपम खेर हनुमानगढ़ी पहुंचे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया और आचार्य जी भी बता रहे थे कि रामलला के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करने होते हैं, हनुमान जी से अनुमति लेनी होती है, क्योंकि वो रक्षक हैं अयोध्या के, वो उनके ऊपर जिम्मेदारी है पूरी अयोध्या की। तो हनुमानगढ़ी के दर्शन करने अनिवार्य हैं और इसीलिए यहाँ पर भी जो वीवीआईपीज हैं उनके दर्शन करने का सिलसिला कल शाम से ही जारी है। बहुत से लोग जो अयोध्या आए उन्होंने कल ही दर्शन किए, कुछ लोग रात में पहुंचे और अब जो है दिन में सुबह राम मंदिर पहुंचने से पहले भी हनुमानगढ़ी के जो दर्शन है वो किए जा रहे हैं। फिलहाल अनुपम खेर पहुंचे हैं हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के लिए। तो हनुमानगढ़ी वो जगह जो हमेशा से जीवंत रही, जिस वक्त अयोध्या ने अपना ये नव्य रूप नहीं पाया था और लंबा संघर्ष राम मंदिर के लिए चल रहा था, तब भी इस जगह लोगों की इतनी आस्था थी, ये जगह इतनी जीवंत रही कि यहीं पर आते थे और हनुमान जी से अर्जी लगाते थे कि वो दिन भी आए जब यहाँ के दर्शन करके हम जाएं तो जिस जगह के सम्राट हैं श्री राम, जिस जगह के राजा हैं श्री राम, कम से कम उनको उनके भव्य नव्य मंदिर में तो देखने का सौभाग्य मिले। और आज वो दिन आ पहुंचा है। फिलहाल अनुपम खेर हनुमानगढ़ी के दर्शन करने पहुंचे हैं, जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच अपडेट ये आ रहा है कि बहुत से मेहमान ऐसे हैं जो आज अयोध्या पहुंचेंगे। मुंबई एयरपोर्ट से जैकी श्रॉफ रवाना हो चुके हैं। जैकी श्रॉफ जिन्होंने कुछ दिन पहले तस्वीरें पोस्ट की थी कि उन्होंने भी मंदिर सफाई अभियान में हिस्सा लिया था और मंदिर की साफ सफाई करते वो नजर आए थे, उनको भी निमंत्रण मिला है राम जन्मभूमि का, प्राण प्रतिष्ठा का, और वो रवाना हो चुके हैं मुंबई एयरपोर्ट से। मुंबई से बाई फ्लाइट वो पहुंच रहे हैं अयोध्या और रवाना हो गए हैं वो मुंबई एयरपोर्ट से। जो निर्धारित समय सभी मेहमानों को दिया गया है मंदिर में प्रवेश का, उसमें उसको ध्यान में रखते हुए सभी लोग अपने अपने कार्यक्रम से पहुंच रहे हैं। फिलहाल जैकी श्रॉफ फ्लाइट ले चुके हैं मुंबई से और जल्द ही अयोध्या पहुंचेंगे। और सीधे रुख करते हैं ऋषिकेश का। हमारे सहयोगी आतिश डोभाल हमारे साथ ऋषिकेश से लाइव जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश की बात करें तो यहाँ पर श्री राम का भी जिक्र होता है, लक्ष्मण जी का भी जिक्र होता है, दोनों के नाम से झूले भी यहाँ पर बने हुए हैं। दूर दराज से लोग गंगा में डुबकी लगाने आती हैं, चाहे घर में किसी के जन्मोत्सव की खुशी हो तो भी कोई संस्कार जुड़ा होता है, और जब कोई अंतिम यात्रा पे पहुंचता है उसके बाद का भी कोई संस्कार जुड़ा होता है गंगा से, इसीलिए ऋषिकेश पहुंचते हैं। तो आज ऋषिकेश में किस तरह के आयोजन हो रहे हैं, वहाँ कैसे राममय माहौल है? आज आपको बताना चाहूंगा कि ब्रह्म हत्या के पाप के बाद भगवान श्री राम ऋषिकेश के जो क्षेत्र है, हनुमान जी की आज्ञा लेने आया। राम स्थल है वहां पर राम जी ने तो किया था, और उत्तराखंड का देवप्रयाग जो स्थान है जहां पर संगम बनता है वहां पर राम जी ने जाकर पिंडदान वगैरह सारी चीजों की जो विधि विधान होता है उससे पूजा कर रही थी। तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये कहीं नहीं राम परिवार से जुड़ा हुआ है और इनकी जो निशानियां है वो भी आज यहाँ मौजूद है। इसको देखते हुए पूरा ऋषिकेश जो है आज राम जय श्री राम बहुत अच्छा बहुत अच्छे हमारे मित्र चलिए तो दिन भर राम रंग हम इसी तरह से आपको दिखाते रहेंगे, हर एक बड़ी खबर अयोध्या से सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। ब्रेक का वक्त हो चला है लेकिन उस पर जाने से पहले यहाँ पर देखिए साधु संत समाज से लोग हमारे साथ हैं, तो एक राम धुन के साथ ब्रेक। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा।